गुजरात में जीपीएससी, यूपीएससी, पीएसआई, कांस्टेबल और सीसीई की ग्रुप ए और बी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, मुझे आज एक विचार आया कि सीसीई में जो ग्रुप ए है उसमें छात्रों के मन में बहुत सारे भ्रम है बेचारे के मन में और वो असमंजस की स्थिति में है। तो जरा उनके पाठ्यक्रम को मैं अच्छे से एनालाइज करके और कितना मार्क्स लाएं जो कि अगले वाले में सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए एक वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। इसीलिए आज का हेडिंग है कि सीसीई ग्रुप ए नी तैयारी मां गुचवण केम, आ वीडियो जोई ने तमारी गुचवण दूर करो। सबसे पहले दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि तैयारी की शुरुआत कहां से होती है, तो तैयारी की शुरुआत परीक्षा के पैटर्न और परीक्षा के चरण से होती है। तो जिस समय इसका नोटिफिकेशन आया था उस समय यदि मैं फर्स्ट चरण के बारे में बताता तो रेलिवेंट था। आज क्या है कि उस चरण का परीक्षा हो गया है और परिणाम आने बाकी हैं। आप जान ही रहे हैं कि हसमुख पटेल साहब का ट्वीट भी है कि 21 तारीख तक आ जाएगा। तो अब उस चरण पे चर्चा करना नहीं है। अब पार्ट बी जो हमारा सीसीए में जो पार्ट बी है हमारा ग्रुप ए का, यानी फर्स्ट चरण के रिजल्ट के बाद, उस पर चर्चा करें। तो आइए सबसे पहले देखें कि ग्रुप ए के परीक्षा का योजना क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि यह पूरा परीक्षा आपका विवरणात्मक है, यानी इसमें वस्तुनिष्ठ के लिए कोई जगह नहीं है, ऑब्जेक्टिव। गुजराती भाषा कौशल्य 100 मार्क का है और इसका सिलेबस भी दिया हुआ है। इसके पूरे डिटेल सिलेबस को लेकर के हम आने जा रहे हैं बहुत जल्द। अंग्रेजी भाषा कौशल्य 100 मार्क का है, इसका भी डिटेल सिलेबस दे दिया है, वो भी हम लेकर के आएंगे इस वीडियो के बाद। और सामान्य अध्ययन 150 मार्क का है, इसका भी डिटेल सिलेबस दे दिया गया है और कुल मिला के यह परीक्षा 350 मार्क का है। अब दोस्तों, पहले ये दिमाग में लाना है कि हम इसमें से कितना मार्क्स ले आएंगे तो हम सेफ जोन में होंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। तो इसमें से अगर आप ये तीसरा पेपर को अगर देखिएगा तो यही है जो जीपीएससी के पैटर्न से अलग है और इसको यहाँ के क्लास 3 के कोचिंग वाले नादानी में मिनी जीपीएससी कह के बुलाने लगे। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जीपीएससी के प्रश्नों को 200 शब्दों में लिखना होता है और यहाँ इस प्रश्न को 50 शब्दों में लिखना है। दोनों के लिखने के तरीके में बहुत अंतर है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप अगर गुजराती और अंग्रेजी की बात करें तो उसका आप एक अंदाजा लगा सकते हैं जीपीएससी के गुजराती अंग्रेजी को देख करके कि वहां 150 का एग्जाम होता है तो उसमें 150 में गुजराती में औसतन पास करने वाले लड़के, इंटरव्यू देने वाले ने जीपीएससी में 75, 80, बहुत तो 85 नंबर होता है या बहुत तो 90 नंबर होता है। तो आप जरा सोचिएगा कि 60% 200 सीट वाले एग्जाम में या 55% नंबर लाते लाते 200 सीट खत्म हो जाता है। यहाँ तो 1900 के आसपास है।
तो यहां पर आप देखिएगा कितना भी लड़का प्रैक्टिस कर रहा है, 40 से 50 नंबर लाते लाते उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। क्योंकि गुजराती का मतलब यह है कि ग्रामर को छोड़ दीजिए और एक आध दो और पोर्शन है ट्रांसलेशन और ये सब, तो जैसे निबंध है, अहवाल लिखने के लिए कह रहा है, वो सब करंट अफेयर्स है। आपको जब तक बीच का चीज नहीं पता होगा करंट का, तब तक आप उसको नहीं लिख पाइएगा। और अपने क्लास थ्री के बच्चे ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव अंग्रेजी की तैयारी किए, जीपीएससी में जो फेल हुआ है उस वर्ग में से जिसका ये परीक्षा निकलेगा वो भले यहां अच्छा कर सकता है। तो मेरा अपना टारगेट है कि 35 से लेकर के 40 के बीच में लोग इंग्लिश में रहेंगे ऑन एवरेज जो पास करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को मिला करके 75 से लेकर के 90 के बीच का स्कोर है। अब यदि मान लीजिए एक लड़का 75 पे है और दूसरा लड़का 90 पे है, तो दोनों के बीच का अंतर है 15 मार्क। उसको ही यहां जीएस से आपको पूरा करना है। अगर कोई लड़का 90 वाला जीएस में बहुत अच्छा कर जाता है तो अच्छी बात है ना, वो तो टॉप कर जाएगा, तो फिर जैसा विभाग चाहेगा वो मिलेगा। तो इसमें जो लड़के यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उनको भी तकलीफ आएगा, या जीपीएससी का, क्योंकि इसको मात्र 40 शब्द में लिखना है, यानी आप कितना भी इसको खींच के ले जाइएगा 50 शब्द में लिख पाइएगा। तो मेरा ये मानना है कि यहां पर लड़का 65 से लेकर के 80 आते आते खत्म हो जाएगा, यानी 65 से 80 यानी 140 से 170 के बीच में ये मामला खत्म है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कहीं ऐसा ना हो कि मेरिट इसके भी नीचे चला जाए, इसके बाहर तो बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आप 400 मार्क में अगर एसटीआई और डीवाईएसओ का रिजल्ट देखिएगा तो आपको दिख जाएगा कि वो 260, 270, 240 और यहाँ तो क्या है कि उस तरह के लड़के नहीं हैं, क्योंकि वो जो पास कर गए वो यहाँ परीक्षा देने नहीं आएंगे। तो आपको 140 से 170 लाने के लिए इस 150 में 70-80 नंबर कैसे लाएंगे आप अपने जीएस में, तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज कई सारे कोचिंग वालों ने आपको इस ग्रुप ए के टॉपिक पर चर्चा किया है। नो डाउट वो भी एक टीचर हैं, वो गलत नहीं बताए होंगे, लेकिन पहले आप एक अंदाज करिए कि आज जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं उसमें सबसे ज्यादा अनुभव इस ग्रुप ए के इस पैटर्न पर किसके पास है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि गुजरात में मेरा आगमन 2003 में हुआ था। मैं यूपीएससी और जीपीएससी के क्लास को लेकर यहां आया था। तो 2006 में जो जीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें हमने फुल फ्लेज पढ़ाया था और विश्वास लर्निंग का एक सबसे बड़ा यह है कि सारे मैक्सिमम खिलाड़ी तो उमर सर अकेले होते हैं। तो 2006 का यदि आप पैटर्न देखिए तो जीएस और उसमें दो ऑप्शनल था, उसमें ए बी और सी ग्रुप करके परीक्षा होता था, पेपर में तीन ग्रुप होते थे। ए में 20 शब्द में लिखना होता था, बी में 50 से 60 शब्द में लिखना होता था
80 वाला मान लीजिए 150 शब्द होता था, उसको अभी चर्चा मत करिए। तो मैंने इस परीक्षा में भूगोल ऑप्शनल भी पढ़ाया, इतिहास ऑप्शनल भी पढ़ाया, जीएस भी पढ़ाया, तो मैं इस पेपर से ज़्यादा वाकिफ हूँ कि इसमें आंसर कैसे करना है। और मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी को भूगोल के ऑप्शनल में 200 में 188 मार्क भी आया है और इतिहास में 181 भी आया है, 181। इस 2006 में जो गुजराती और इंग्लिश था लगभग वही तो था, वहाँ भी निबंध था, वहाँ भी चर्चा था, वहाँ भी अहवाल था, थोड़े सा का फर्क था। उसके बाद 2014 का एग्ज़ाम आया जीपीएससी, 14 में ऑप्शनल पेपर में, जीएस तो ऑब्जेक्टिव था, ऑप्शनल पेपर में यही वाला पैटर्न था ए बी और सी। तो मैं यहाँ भी पढ़ाया हूँ। और 2017 में जो पेपर आया उसमें भी यही ए बी सी था। तो सोचिएगा कि 17 के तीनों जीएस पेपर में हमने इस पैटर्न को पढ़ाया। और जो आपका सिलेबस आज का गुजराती अंग्रेजी है वो भी मैं देखा हूँ। 2018 में जो जीपीएससी आया ए हट गया, बी का नाम ए हो गया और सी का नाम बी हो गया और ये 50 से 60 शब्द में लिखने वाला था। तो आप ये सोचिए कि आप किसी भी कोचिंग क्लास में अगर जा रहे हैं और एक बार ग्रुप बी का तैयारी कर रहे हैं तो चलिए उनको ऑब्जेक्टिव का अनुभव है, लेकिन अगर आप ग्रुप ए की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ये सोचिए कि जो कोचिंग क्लास कभी भी क्लास 3 से बाहर नहीं आया वो अचानक इस पैटर्न को कैसे फॉलो करेगा। रातों रात बदलाव नहीं होता है दोस्तों। वो क्या करेगा, ये 17-18 वाला में जिस लड़के का मेंस नहीं निकला था उसको बुला के टीचर बना देगा और आपको कहेगा पढ़ो। उस लड़के को मैं पढ़ा रहा था उस समय, आप ऐसे समझिए, चाहे वो कहीं भी कोचिंग में हो। और जो कोचिंग जीपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं उनमें से शायद कोई एकाद होगा, वरना सारे कोचिंग का जन्म ही 2018 के बाद हुआ है। और 2017-18 में वो खुद विद्यार्थी थे, उस वक्त वो हमारा ही मटेरियल खोज रहे थे कि कैसे पढ़ना है। तो आज पूरे गुजरात में अगर ये अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सीसीई के ग्रुप ए में अगर कोई सबसे ज़्यादा अनुभवी शिक्षक है तो मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, उसका नाम है रजनीश सिंह तोमर। अब आइए दोस्तों, पेपर गुजराती में होता है मैं मान लिया, तो मैं क्या 2006 से यहाँ हिंदी में पढ़ाता था क्या? मैं सिर्फ बोलता हिंदी में हूँ, मटेरियल तो सब मेरे पास गुजराती है। अगर मेरे पास गुजराती में कुछ नहीं होता तो सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि सबसे पहले तो मैं ये ऐड ही गुजराती में नहीं बना पाता। चलिए ऐड छोड़िए, ये तो आप याद कर देख लीजिए अभी जा करके कि ये तो पूरा का पूरा अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आखिर हमने इसको ट्रांसलेशन किया। तो जितने लोग 2017-18 तक एग्जाम दे रहे थे वो तोमर सर के द्वारा ही ट्रांसलेशन किए हुए चीज़ों को पढ़ रहे थे और आज उन्हीं चीज़ों में आगे पीछे करके वो आपको जो है ये मटेरियल परोसेंगे। दोस्तों मैं बताने के पहले एक बात बता दूं कि मैं तैयार बैठा हूं, एक बार आपका रिजल्ट आ जाए उसके बाद तोमर सर और विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड धड़ाका करेगा ग्रुप ए में। अभी मेरी तैयारी चल रही है, मैं मटेरियल तैयार कर रहा हूँ गुजराती में। उस दिन मैं यही डायलॉग बोलूँगा कि चीते की चाल और बाजीराव की तलवार कभी भी धोखा दे सकती है, और ये उन कोचिंगों को पता चल जाएगा उस दिन कि हमारे पास कौन सा यूनिक और नया मटेरियल है, क्योंकि बाजीराव और चीते की चाल कभी भी आपको धोखा दे सकती है। तो आइए अब जरा आगे बढ़ें।
कि अब आप इस 350 मार्क में फोकस किसको करिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप ये देखिए कि सबसे 150 में ज़्यादा मार्क वाला कौन सा है, तो ये 30 और ये 30। एक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी सॉरी एक है करंट और एक है भारतीय राज्य व्यवस्था ने बंधारण। एक बार वैसे पुराने विद्यार्थी जो तोमर सर से पढ़ करके यूपीएससी जीपीएससी निकाले हैं, कभी उनसे मिलिएगा तो वो बंधारण के बारे में तोमर सर का पूछिएगा तो यही कहेंगे आपको कि परीक्षा के कॉपी पर रोल नंबर लिखने में भूल हो सकता है, तोमर सर के द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी का पॉलिटी कभी गलत नहीं होता है, सर उसी के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो 30 मार्क है यहां कोई नेगेटिव नहीं है, इसको बेहतरीन ढंग से आप लिखाएंगे कैसे। मान लीजिए आप 10 का 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन आप जो है 3 मार्क में न्यूनतम 2.5 मार्क कैसे पाएंगे, वो आपको रजनीश सिंह तोमर सिखाएगा। ये करंट है, एक तो 30 मार्क का करंट अटेम्प्ट करना कठिन है। मान लीजिए कि 2 सवाल छूट गया तो आप 24 मार्क का अटेम्प्ट किए तो इसमें आपको 18 या 20 कैसे आए, असली परीक्षा ये है। और आपको जब रिजल्ट आएगा तब मैं आऊँगा लेकर के अपना पैटर्न सब कुछ। मैं इसीलिए ग्रुप ए में 40 शब्दों में कैसे लिखना है वो अभी तक आपको नहीं बता रहा। एक बार रिजल्ट तो आने दीजिए, उसके बाद देखिए कि हम जिस बच्चे को पढ़ा देंगे। हाँ मैं पढ़ाऊंगा केवल अहमदाबाद में, कारण मैं हमेशा यही मानता हूं कि प्यासे को कुएं के पास आना चाहिए, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, तो ये होना चाहिए। अब आप अगर किसी बच्चे से पूछिए कि इतिहास में तोमर सर का क्या स्थिति है, तो अगला जो बड़ा सेक्शन है तो वो यही कहेगा 5 में 5 कोई नहीं छूटने वाला है। और पहली किताब में मटेरियल या किताब में यही लॉन्च करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको घोषणा कर रहा हूँ कि आपका रिजल्ट आया और 3 दिन के अंदर आपका जो डिटेल सिलेबस है ना, सिंधु घाटी, वैदिक, जैन और बौद्ध धर्म, नंदवंश, मौर्या, गुप्ता, दक्षिण भारत, विजयनगर, अरे सब रटा हुआ है। भारत में यूरोपियों का आगमन, अंग्रेजों का विस्तार, 1857, 19वीं सदी में भारत और गुजरात का धार्मिक सामाजिक आंदोलन, बोलिए ना क्या चाहिए। सबकी मैं तैयारी करके बैठा हूँ और ये मैं बताऊंगा उसी दिन आपको। लेकिन यहाँ पर 15 मार्क में से हमको 12 मार्क कैसे आए उसकी कहानी लिखनी है। और अगर आप ये लाने में सक्षम हो गए तो यहीं 65 हो जाता है दोस्तों। हमारे बिहार में कहावत है कि मछली मारना नहीं है, मछली को संहारना है। तो अब मैं स्ट्रेटेजी नहीं बताता हूं, अब मैं आपको बताता हूं इस पर ध्यान दीजिए और इस पर ध्यान दीजिए, उसके बाद इस पर ध्यान दीजिए, इसके बाद इस पर ध्यान दीजिए, इसके बाद जो है इस पर, यानी सबसे ज्यादा ध्यान आप करंट और पॉलिटी पर दीजिए, उसके बाद भारत का इतिहास, सांस्कृतिक वारसों और भूगोल पर दीजिए, उसके बाद इकोनॉमिक्स पर। इसलिए कि आप इतने कम समय में 5 में 5 लिख देंगे ये नहीं हो पाएगा, अगर आपका कंसेप्ट नहीं होगा तो। यहां आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे या ज्यादा से ज्यादा 3, यहां 5 में 5 कर सकते हैं, नंबर भले कम ज्यादा आ जाए। इस 6 के बाद आप ध्यान दीजिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि ये करंट ही है, बल्कि अगर करंट के साथ ही इसको पढ़ लीजिए तो कहानी खत्म है। और इसके बाद हम आपको यही कहेंगे कि जाहिर वहीवट और शासन पर ध्यान बाद में, पहले आप इस पर ध्यान दीजिएगा और फिर जाकर के इस पर ध्यान दीजिएगा, यानी जाहिर नीति शास्त्र पहले और जाहिर वहीवट।
जिस समय 2014 में पहली बार नीति शास्त्र लॉन्च किया गया था, आज आपको बहुत सारे लोग जो है ना नीति शास्त्री बन जाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब पहली बार 2014 में ऑब्जेक्टिव नीति शास्त्र लॉन्च किया गया था तो उस सिलेबस पर हमने 450 पेज की बुक निकाली थी, गुजराती में निकाला था, जिस समय की लोग नीति शास्त्र पढ़कर परीक्षा दे रहे थे आज नीति शास्त्रिज्ञ बनते हैं। 2017 में जब नीति शास्त्र को सब्जेक्टिव बनाया गया 200 शब्द वाला, तब भी मैं 300 पेज की बुक निकाला था। सबसे पहले गुजरात में गुजराती मीडियम में विश्वास पब्लिक एयर पर मैंने ही निकाला था। तो हमारे पास आपको ट्रांसफॉर्म करके गुजराती में देने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तो दोस्तों एक बार लास्ट में बता देते हैं, पॉलिटी करंट ये हो गया फर्स्ट, हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी और इकोनॉमी ये हो गया सेकंड वाला श्रेणी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थर्ड श्रेणी, और इस दोनों में पहले नीति शास्त्र फिर जाहिर वहीवट पढ़िएगा, और वैसे तो पूरे पढ़ना है। और आप ध्यान यही रखिएगा कि इसमें 60 नंबर से ऊपर जाना है। आज आपको लोग सब्ज बाग दिखा देगा कि 150 में 100 ले आएंगे, लेकिन जब आप पेपर दे के आएंगे तब देखेंगे कि 60 नंबर एक स्मार्ट नंबर है और वह लड़का पास कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग जो है कल फिर और वीडियो लेकर आएंगे, और तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय जय गरबी गुजरात।